बस है तो बस कर। अब एक ना एक दिन तो पता चलना ही था, आज पता चल गया। अब तो रहने दीजिए अम्मा जी, क्या मांगा था आपसे? इतना ही कहा था ना कि फाइल को संभाल के रखिए, आप इतना भी नहीं कर पाए। वो फाइल मोना के हाथ लगी, उसने पूरी दुनिया में जाके ढिंढोरा पीट दिया मेरी प्रेगनेंसी का। मोना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नहीं अब्बा जी, ये सारी बाजार की चढ़ना आपकी लाडली बहू मोना है, उसी ने किया ये सब। अब देखना आप लोग, कल दार जी आएंगे और करण को मना लेंगे, मुझे भी वापिस ससुराल जाना पड़ेगा। वो लोग मुझे मेरा बच्चा जीन के स्वीटी को दे देंगे। नहीं नहीं रो मत बेटा। अरे शांत हो जा, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोने से क्या फायदा होगा। नहीं सही कहा आपने फूई, रोने से कुछ नहीं होता। मैं वापस नहीं जाऊंगी अम्बा जी, नहीं दूंगी अपना बच्चा किसी को, उसमें सिर्फ मेरा अधिकार है, वो मेरा है। मैं नहीं दूंगी किसी को अपना बच्चा, मैं नहीं दूंगी। मुझे प्लीज बचा लो, प्लीज बचा लो, वो लोग मेरे से मेरा बच्चा छीन लेंगे। ना बेटा, तेरी पुई है ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कोई तुझसे तेरा बच्चा नहीं छीनेगा। बस बेटा बस, इतना इतना तनाव, इतना टेंशन बच्चे के लिए ठीक नहीं। बस बस बेटा बस। नहीं मैं नहीं दूंगी। ना, ना, मत देना बच्चा, नहीं ना, कुछ नहीं होने दूंगी। चल चल तुम मेरे साथ चल, चल 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 ना 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 जी बेटा, सास से तो रोएगी तो कौन आके नींबू पानी पी। चल तो तुम मां बनने वाली है। क्या हुआ अम्बा जी, आज तो कितनी खुशी का दिन है, आप नानी बनने वाली हैं, फिर भी आप परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं वो तो बड़ी खुशी की बात है, पर हेतल नहीं चाहती थी कि सबको ये बात पता चल जाए। क्यों? वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती, और अब सबको बात पता चल गई है तो उसे डर के वो लोग उसे जबरदस्ती लेके जाएंगे ससुराल। बस इतनी सी बात को लेकर आप कल से परेशान हैं? अम्बा जी कुछ और बात तो नहीं है ना? है, वो त्रिकेत की मासी है ना, धनतेरस पर यहाँ आ रही है। केत की मासी, वो आपकी सबसे बड़ी वाली बहन? वही जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, वही केत की मासी? हाँ वही। मेरे शादी के वक्त बाबा बापूजी से झगड़ा करके मंडप छोड़कर चली गई थी, उसके बाद कभी पलट कर भी नहीं देखा मुझे। हाँ कभी कभार एक दो बार फोन आया था बस, अब अचानक आएगी। लेकिन अचानक उन्हें आपकी याद कैसे आई? कुछ कहा उन्होंने? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टेस्ट करवाने हैं इसीलिए आ रही है। अब बा बापू जी और वो जब, पता नहीं जब मिलेंगे क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो नहीं जानती कि मेरी बहू और दामाद दोनों पंजाबी है। जब वो पता चलेगा तो पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा करेंगी। अम्बा जी आपने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई? छुपाई कहाँ, बताने का मौका ही नहीं मिला, जरूरत ही महसूस नहीं हुई, बात ही कहाँ होती थी, छिपाई कहाँ? और फिर मुझे क्या पता था अचानक हृदय परिवर्तन होगा, वो सारे गिले शिकवे भूलकर अचानक से यहाँ आ जाएगी। मुझे तो डर लग रहा है मिलेंगे, ये बात तो किसी को मत बताना,
किसी को भी मत बताना कि केतकी बहन यहाँ आ रही है। रप्पा, ये अंबा जी को क्या हो गया? दिवाली नहीं हो गई है, कोई आफत हो गई है। इतने सारे काम कराए जा रहे हैं, पीतल के, तांबे के, सारे बर्तनों की पॉलिश करो। हाय रब्बा, मैं अकेली बेचारी कैसे करूंगी इतना सारा काम? भाई को मैंने तो मरी जाना है। क्या हुआ मोना? तुम देखो, अम्मा जी पर ना ये भूत हमेशा सवार रहता है, इसलिए चिंता करने से कुछ नहीं होगा। और फिर मैं हूं ना, मैं रोज तुम्हारे हाथ पैर दबा दिया करूंगा, फिर देखना सारा दर्द गायब हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। अम्बा जी ने जितना काम कराना है कराती रहे। अच्छे से बात, अब तो तुम्हारा काम और बढ़ जाएगा, एक साथ मामी और बुआ जो बनने वाली हो तुम। हाँ ये भी है। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल दारजी वीर जी से बात करने वाले हैं। आई होप वो करणवीर जी को मना ले, जैसे मना लेंगे ना फिर सब कुछ ठीक हो जाना है। सच्ची सच मोना, मैं भी यही चाहता हूँ कि सब लोग घर में खुश रहे। खुशियाँ तो आनी थी, सब कुछ ना ये उस नन्हे फरिश्ते की वजह से हुआ है। सच में उसके आने से सब कुछ जैसे बदल गया। वाओ, हेतल और करणवीर जी कैसा फील कर रहे होंगे ना? कितना अच्छा फीलिंग होती होगी ना उनको। वैसे अगर तुम भी चाहो ना तो हम भी ये फीलिंग महसूस कर सकते हैं। मुझे तो कोई एतराज नहीं। हेलो, मुझे कुछ फील शील नहीं करना है। हेतल और करणवीर जी को फील करने दो। बाय गॉड, मैं ऐसी खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ। मोना, तुम खुश हो तो तुम्हारे चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए? क्या बात है? वो तोते उड़ने वाली बात जाती है। अब देखो, करणवीर जी जब उस घर में जाएंगे तो जीजू के साथ उनका आमना सामना होगा। पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है। मोना, टेंशन मत लो, वो लोग बहुत समझदार है, कुछ नहीं होगा। बात समझदारी की नहीं है झल, बात ये है, करणवीर जी ने प्रॉमिस किया था ना कि अपना पहला बच्चा वो स्वीटी दीदी को दे देंगे, और अब अगर करणवीर जी अपने वादे से पलट गए तो उन्होंने बच्चा नहीं दिया तो। देखो मोना, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए कल की कल दिखी जाएगी, आज परेशान होकर कोई फायदा नहीं। तुम देखना सब ठीक हो जाए। भाभी, अब दोनों स्वर्ण भवन गए थे ना छोटी दिवाली मनाने, बहुत मजा किया होगा ना आप दोनों ने? हाँ मैं बताने भूल गई, बाय गॉड, हम लोग छोटी दिवाली मनाने गए थे, बड़ा मजा आया। वहां पे हम बहुत सारे लोगों से मिले, अर्चना मानव, राधिका और देव, और वो करण और आभा। हाँ, और तेरे भैया को तो देखना चाहिए था, क्या नाचे हैं वो, बाय गॉड, शर्मरम कहाँ गई पता ही नहीं था। हम करण और आभा की बेटी से भी मिले, सच में बहुत प्यारी बच्ची है उसकी, उसके आते उनकी सारी जिंदगी खुशियों से भर गई। अब देखो ना, जैसे ही हमारे यहाँ बच्चे की खबर आई, हमारी जिंदगी भी अब बदल रही है। इनफैक्ट करण, तुम्हारे लिए खबर तो बहुत लकी रही। देखो ना, उसके आते तुमने नई बिजनेस की डील साइन कर ली। क्यों? वैसे मैं सोच रहा था कि इस गुड न्यूज के लिए बच्चे की बुआ लोगों के लिए क्यों, बच्चे की माँ को भी अच्छा सा गिफ्ट मिलना चाहिए। क्यों हेतल, बता क्या चाहिए तुझे? अरे हेतल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? आज तेरी बोलती क्यों बंद है? आप लोग बातें कीजिए, मैं चलता हूं, दुकान पर जल्दी पहुंचना है। मैं ध्यान रखना। विजय, नाश्ता? बस, थैंक यू। Yeah.
मुझसे मिलने आए, तू तू कहाँ जा रहा है? सत श्री अकाल। जय श्री कृष्ण। सत श्री अकाल। आइए ना हमारे साथ नाश्ता कीजिए। नहीं पुत्र, आज तो हम अपने बेटे को वापस लेने आए हैं। हमारा बेटा हमारी झोली में डाल दे, पेट तो क्या मन भी भर जाएगा पुत्र। जानता है पुत्र, जब आदमी बीमार होता है ना और उसके आसपास उसके अपने नहीं होते तो ये सबसे बड़ा दुख होता है उसका पुत्र। मैंने तेरे ऊपर गुस्सा किया, अपना ही नुकसान कर लिया मैंने, लेकिन सच्ची कहता हूं पुत्र, उस गुस्से में प्यार था, हक था पुत्र। मैं तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था सिटी का घर बस जाए, लेकिन पुत्र मैंने इसके लिए तुझसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली, बहुत बड़ी कुर्बानी मांग ली जो मुझे नहीं मांगनी चाहिए थी। अपने दारजी को माफ कर दे पुत्र, मुझे माफ कर दे। प्लीज दारजी, ऐसा मत कही, मैं जिंदगी भर में खुद से नजरें नहीं मिला पाऊं। गलती मेरी है, मैं ही आपको नहीं समझ पाया। आप अपना हक जता रहे थे और मैं उसे बेइज्जती समझ बैठा। मुझे माफ कर दीजिए दारजी, मुझे माफ कर दीजिए दारजी। बहुत हो गया। देखा कितना प्यार है हमने, अब इसमें शिकायत के लिए माफी के लिए कोई जगह है? घर आ जा बेटे, तेरे बिना घर में मन नहीं लगता मेरा। मन तो मेरा भी नहीं लगता आप सबके बिना। लेकिन मेरा झूठा मान न मुझे आपके सामने झुकने दे रहा था और न परमीत के सामने। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मान अपमान से बढ़कर है अपने परिवार को जोड़कर रखना। मैं परमीत से माफी मांग लूंगा दारजी। अरे पुत्र, आप तो परमीत से माफी मांगे नहीं मांगे ये तेरी मर्जी है, लेकिन तुझे हमारी नियत का तो पता चल गया ना। अब घर चल बेटा, बहू और बेटा ना घर में अच्छे लगते हैं, बहू को भी साथ लेके चल, घर चल। ठीक है दारजी। एक मिनट करण, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कर मैं यही रहूंगी। उधर आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अगर हम लोग वापस नहीं जाएंगे ना तो करण अपना बच्चा कभी भी स्वीटी को नहीं देंगे। इसलिए जैसे आप लोगों को बच्चे के बारे में पता चला आप लोग हमें लेने चले आए।
मैं कहीं नहीं जाऊंगी कर। मैं यही रहूंगी। लोगों ने स्वीटी की खुशी के लिए हमें घर से बाहर निकाल दिया और आज आप उसी की खुशी के लिए हमें घर वापस बुलाना चाहते हैं। कितने स्वार्थी हैं आप लोग। दार जी, मैं सब जानती हूं। सबको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर हम घर वापस नहीं गए तो करण कभी भी अपना बच्चा स्वीटी और परमीत को देने के लिए राजी नहीं होंगे। और जैसे ही आप लोगों को मेरे बच्चे के बारे में, हमारे बच्चे के बारे में पता चला, आप लोग हमें वापस लेने के लिए चले आए। आप लोग करण और परमीत में सुलह करवा सके। और मेरा बच्चा मुझसे छीनकर आज स्वीटी को देके उसकी सुनी गोद भर सके। इसके अलावा तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के साथ। ये मेरा आखिरी फैसला है। और इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। कोई भी नहीं। ना पुत्र, ये तेरी गलतफहमी है। पुत्र यकीन कर, दारजी वैसे ही तेरे पास आने वाले थे, तेरे पास और करण के पास, तुम दोनों को घर ले जाने के लिए। हाँ पुत्र, हमें तो बच्चे के बारे में बाद में पता चला। पुत्र ये एक इत्तेफाक है कि दारजी के फैसला लेते ही वाहेगुरु ने एक और मेहर हम पर बख्श दी। कैसे मान लू चाचा जी कि आप सच कह रहे हैं। कैसे अब स्वीटी की खुशी के लिए इस मौके का फायदा नहीं उठा रही, ये कैसे मान लू मैं। सच्चाई तो ये है कि आप लोगों ने हमें घर से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि आप लोगों की नजरों में हमारी कोई औकात, कोई अहमियत नहीं है। कर रही है करण, करण तू बताना पुत्र, मैं तेरे पास आया था ना, मैंने तुझे कल ही बता दिया था ना कि दारजी तेरे पास आने वाले हैं। उस वक्त तो तुझे भी नहीं पता था कि तू बाप बनने वाला है। बोलना इसे कुछ। तेरे चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हितल, कल मैं मुंह मीठा कराने इस वास्ते आई थी कि दारजी तुझे और करण को घर वापस ले जाने वाले थे आज, और तब मुझे पता चला कि तू माँ बनने वाली है। पुत्र तू ऐसा क्यों कह रही है कि हम ये सब सिर्फ बच्चे के लिए कर रहे हैं। ये सब मुझे नहीं पता चाची जी, ये सब खोखली बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि आप लोगों ने हमें घर से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि आप लोगों की नजरों में हमारी कोई औकात, कोई अहमियत नहीं है।
और अब दोबारा हम उस घर में नहीं जाएंगे अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। हेतल, ये कुछ तरीका है बात करने का? अम्बाजी, आपको हमेशा अपनी बेटी की गलती क्यों नजर आती है? आप क्यों नहीं समझ पाती कि मुझ पे क्या बीत रही है?